नहीं दोस्तों, कैसे हो आप सभी? होप करते हैं बढ़िया होंगे। तो 2023 में सीयूईटी की तैयारी करने वाले सभी यूजी पीजी एस्पिरेंट्स के लिए अपडेट लेकर आए हैं, सारी जानकारी लेकर आए हैं, फुल सपोर्ट आपके लिए हम लेकर आए हैं, ठीक है। जिसमें हम आपको वो सभी चीज़ें कवर करेंगे जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, थंबनेल पढ़ के अंदर आए होंगे वीडियो, क्योंकि हमें इन टॉपिक के बारे में जानना है। जैसे आपके एप्लीकेशन फॉर्म की डेट हो गई, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की डेट हो गई, ठीक है, क्या सिलेबस रहने वाला है, कैसे तैयारी करें, कैसे अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, वो सब टॉपिक हमने देखिए यहाँ पे लाइन वाइज लिख रखे हैं, ठीक है, जो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे इस वीडियो में और पूरी जानकारी देंगे। देखिए वीडियो में आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि हम बकवास कर रहे हैं, गलत बता रहे हैं, पूरी जानकारी जेन्युइन रहेगी, पूरी जानकारी आपको अच्छे से बताई जाएगी और फुल डिटेल में बताई जाएगी और फुल हेल्प आपकी की जाएगी। जैसा कि आपको बता होगा कि जो नए स्टूडेंट होते हैं एडमिशन के लिए तो तैयारी करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं रहता कि आगे कैसे प्रोसीजर है, क्या चीज़ें हैं, क्या होती हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म तो सभी भर जाते हैं, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आगे की प्रक्रिया उन स्टूडेंट्स को नहीं पता होती कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आगे की प्रक्रिया क्या होती है, क्योंकि स्टूडेंट एप्लीकेशन यूजी 12 से आते हैं, उनको आगे को कोई प्रोसीजर तो पता नहीं होता यूनिवर्सिटी कैसे करती है एडमिशन। तो इस बार से तो सीयूईटी होने लगा है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, सीयूईटी। तो सीयूईटी के अंदर सभी जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनका एडमिशन एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से होगा। अगर देखिए आप फॉर्म आएगा सीयूईटी का, ठीक है, कब आएगा वो आप बाद में बताएंगे, पहले ये सुनिए, सीयूईटी का फॉर्म आएगा उसमें आपको फिल करना है। जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपको जो जो यूनिवर्सिटी आपको फिल करनी है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जैसे AU, BHU, JNU, ठीक है, आप उसमें उसको प्रेफर कर सकते हैं। फिर उसके बाद इन सभी यूनिवर्सिटी का खाली आपका एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। आप चाहे किसी भी कोर्स के लिए कर रहे हो, चाहे BA के लिए कर रहे हो, चाहे BSc के लिए कर रहे हो, या BCOM या BLLB, ठीक है, या PG के किसी कोर्स के लिए कर रहे हो, तो उसका एक एंट्रेंस टेस्ट होगा। उसके माध्यम से आपके किसी भी यूनिवर्सिटी जो आपने प्रेफर की होगी, AU, BHU, JNU, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और इन्हीं यूनिवर्सिटी में जैसे आप सोच आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, आपका इसके बाद एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी हो गया। एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो जाने के बाद आगे की प्रक्रिया क्या होती है, जैसे कट ऑफ, एडमिशन को लेकर आगे क्या क्या स्टेप होते हैं, क्या करना पड़ता है, रिजल्ट आने के बाद कैसे काउंसलिंग होती है, ये सब दिक्कतें आती हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से जो 2023 में आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन देख जैसे मई जून में डेट रखी गई है, मई जून में एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने के बाद आगे की प्रक्रिया क्या होगी वो आगे बात की जाएगी, ठीक है। आगे हम कैसे आपको पूरा डिटेल में A to Z लास्ट स्टेप तक हम आपको एडमिशन के लिए जाएंगे, जब तक आपका एडमिशन पूरा प्रोसीजर आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो नहीं जाएगा या उसके किसी एफिलेटेड कॉलेज में हो नहीं जाएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के। तो पूरा प्रोसीजर हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे माध्यम से आपको पूरा डिटेल में आगे बताया जाएगा जब भी आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो जाएगा। अभी हम मेन इस बात पहले कवर करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म की डेट को लेकर एक अनाउंसमेंट हो चुकी है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है फरवरी फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। कब? आपका फरवरी फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा आपका सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म। और इसकी एनटी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दी गई है एग्जाम डेट को लेकर। जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन डेट है वो 21 मई से की डेट आई है कि 21 मई से आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाले सीयूईटी के वो होंगे। देख आपका जो एकेडमिक कैलेंडर है वो जारी कर दिया गया एनटी की तरफ से कि 21 मई से आपके सीयूईटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होंगे और एप्लीकेशन फॉर्म आपके फरवरी फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड डेट है। लेकिन ये जारी कर दी गई है, आपको हम स्क्रीन पे नोटिस दिखा देंगे कि 21 फरवरी को आपके फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी को आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है सीयूईटी के वो जारी हो जाएंगे, ठीक है। मगर कंफर्म नहीं है कि देखिए सेकंड वीक भी जा सकता है और थर्ड वीक भी जा सकता है, ये एक्सपेक्टेड है कि फर्स्ट वीक में आ जाएगा, आगे भी डेट एक्सटेंड हो सकती है। और जो एकेडमी कैलेंडर आया है उसके अनुसार 21 मई से आपका जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है 21 मई से। लेकिन आपको पता ही एंट्रेंस एग्जाम डेट एक्सटेंड होती रहती है तो वो भी हो सकती है, उसकी कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो एकेडमी कैलेंडर आया है उसके अनुसार ये डेट दी गई है। वही जो हमने आपको बताया एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर एडमिशन तक, तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको एप्लीकेशन फॉर्म जब आएगा उससे लेके एंट्रेंस एग्जामिनेशन से लेके, ठीक है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे सिलेबस कवर करना है, क्या क्या पढ़ना है, फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने के बाद कैसे काउंसलिंग करानी है, कैसे कट ऑफ देखनी है, कैसे आगे की प्रक्रिया करवानी है, फिजिकल वेरिफिकेशन कराना है, वो सारी डिटेल हमारे चैनल के माध्यम से आपको आगे देखने को भी मिलेगी। और सिलेबस के ऊपर हम कल एक कंप्लीट वीडियो लाएंगे, ठीक है। सिलेबस को आज की वीडियो में कवर करना आसान नहीं रहेगा क्योंकि सिलेबस के ऊपर हमें कंप्लीट जानकारी देनी पड़ेगी, क्योंकि आपके डोमेन सब्जेक्ट हो गए, स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो गए, लैंग्वेज के सब्जेक्ट हो गए, उन अभी BSc BCOM सबके अलग अलग डोमेन होते हैं, तो सबको अलग अलग कवर करना पड़ेगा, इसलिए सिलेबस की अलग वीडियो आएगी। तो वहीं
सीयूटी 2023 में आप अपने प्रेफर जो भी आपको पसंद यूनिवर्सिटी उसको प्रेफर कर सकते हैं फॉर्म में, एयू, बीएचयू, डीयू, जेएनयू एक्सेट्रा, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपकी पार्टिसिपेट कर रही है सीयूटी में, ठीक है। और कैसे करें तैयारी, तैयारी के लिए हम आपके लिए स्पेशल जो कल सिलेबस बताएंगे उसमें पूरी आपको जानकारी देंगे कि कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे सिलेबस कवर करना है, ठीक है। वो सारी जानकारी आपको कल वाली वीडियो में मिलेगी और जो आप इससे अपनी मनपसंद की यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं सीयूटी के माध्यम से। पहले तो ये होता था कि आपको हर यूनिवर्सिटी जैसे एयू का फॉर्म अलग आता था, बीएचयू का अलग आता था, डीयू का अलग आता था, जेएनयू का अलग आता था, इसमें अलग अलग पैसे लगा के अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते थे। अब एक ही बार पैसा लगाने हैं और सभी यूनिवर्सिटी के लिए आप एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं और किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। ये अच्छी बात हो गई सीयूटी की तरफ से। तो सीयूटी 2023 की तैयारी कर रहे हो तो हमारे टेलीग्राम पेज से भी जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम पेज की, आपको मिल जाएगी। सीयूटी एस्पिरेंट्स नाम से हमारा टेलीग्राम भी पेज है और हमारे चैनल से भी जुड़ जाइए जिससे आगे आने वाली हर अपडेट और नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिल जाए, ठीक है। धन्यवाद।